हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। सो बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो हॉल, एंड वो भी है फुटवेयर का। सो मैं कुछ सीरीज़ और रखी हूँ, मैंने बहुत सारा ऑर्डर प्लेस किया एंड वन बाय वन कुछ रखे, कुछ रिटर्न किए, कुछ रिप्लेस किए, कुछ एक्सचेंज किए, कुछ रिफंड किए। मतलब बहुत सारा झोल होने के बाद फाइनली मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है जो मैं आपको सीरीज वाइज दिखा सकूंगी। सो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मीशो फुटवेयर, एंड देन उसके बाद एक ट्रेडिशनल वेयर भी होने वाला है और एक उसके बाद वेस्टर्न हॉल भी होने वाला है। सो आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैंने मीशो से कितने सारे फुटवेयर ऑर्डर किए, एंड इतने सारे मैंने फुटवेयर मीशो से ऑर्डर किए हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है, मैं उनको कैसे यूज़ कर रही हूँ, कितना कंफर्टेबल है, सब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है और साथ ही साथ इस वीडियो में भी मिलने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहला मैं आप लोगों को जो सेट दिखाने वाली हूँ वो मेरा मोस्ट मोस्ट फेवरेट है, विच आर दीज ब्यूटिफुल हॉट रेड वाले सैंडल्स। ये कुछ इस टाइप के हैं और ये ब्रेड वाला है। सो मुझे एंकल वाले सैंडल्स काफ़ी पसंद है, एंड मेरा साइज है 9 और ये इतना ज़बरदस्त, इतना सेक्सी लगता है पैरों में, मतलब बोलने का ही नहीं है। इसका पिक्चर मैं आप लोगों को डाल दूंगी, आप देख पाओगे, एंड इसका प्राइस वगैरह भी, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने ऑर्डर दे रखा है तो मुझे इन सभी का प्राइस याद नहीं है, बट मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड यहाँ पे स्क्रीन पे भी डाल दूंगी। तो काफ़ी अच्छी है ये हील, काफ़ी स्टेबल है, एंड मुझे पहले डाउट था कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है अच्छा नहीं लगेगा, बट स्टिल अच्छा लग रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी शू बाइट वगैरह नहीं होता है, चेन इसकी काफ़ी अच्छी है। सो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। दिस इज़ माय फर्स्ट फुटवेयर एंड बहुत 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 सुंदर है। इसके बहुत सारे कलर्स भी आपको मिल जाएंगे तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास फुटवेयर है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूट कलर, एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, ये मेरा सेकेंड मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। सो इसको मैंने पूरा यूज़ कर लिया है, रफ एंड टफ है, इसका नंबर मेरा 10 है, एंड देख सकते हो कि कितना गंदा हो रखा है। थोड़ा सा स्लिपरी रहता है ये वाला, जो इनका सोल है ये स्लिपरी रहता है, बट कंफर्टेबल वाइज बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो है ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स है, एंड यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर सा ग्रेश कलर दिया हुआ है, तो ऐसे फील होता है कि इधर कुछ भी नहीं है बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है, बट धीरे धीरे ये थोड़ा सा येलोइश होता जा रहा है, बट स्टिल ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसका भी पिक्चर एंड प्राइस मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर भी दे दूंगी, आप चेकआउट कर पाओगे। थर्ड है जो मैंने पूरा एकदम यूज़ कर करके इसको एकदम पूरा रफ एंड टफ वाला टाइप का यूज़ कर लिया है, देख पाओगे, ये मेरा थर्ड प्रोडक्ट है। इसका भी साइज शायद 9 या फिर 10 है, तो ये मेरा हमेशा वाला गुड टू गो है। वेस्टर्न में भी पहनती हूँ, सलवार में भी पहनती हूँ, ट्रेडिशनल में भी पहनती हूँ, तो काफ़ी अच्छी ये वाली लाइक लास्टिंग दी है। ये मैंने शायद सेकंड प्रोडक्ट ऑर्डर दिया था पिछले 4-5 महीने में, अगर आप बात करो तो। पहला वाला जो सैंडल लिया था उसका मैं पिक्चर डाल दूंगी, वो वाला सैंडल अभी मेरे पास नहीं है, बट ये मैंने लिया था सेकेंड, इसके भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स हैं, एंड आप देख पाओगे इसकी बहुत ही प्यारी सी हील है, छोटी सी हील है, ज़्यादा हील भी नहीं है, तो आप इसको कोई भी आउटफिट में पहन पाओगे, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत बढ़िया है। आप देख पा रहे हो पूरा इसका ना रफ एंड टफ इसको मैंने यूज़ करा हुआ है। तो ये है मेरा थर्ड प्रोडक्ट। फोर्थ वन इज़ 4-5 मैंने ऑर्डर दिए थे, बहुत ही डर डर के ऑर्डर दिया था, कैसा आएगा, क्या आएगा, कितनी बार रिटर्न करना पड़ेगा, बट मैंने कुछ भी एक भी फुटवेयर मैंने रिटर्न नहीं किया, बट ड्रेसेस मैंने बहुत रिटर्न किए हैं, और ड्रेसेस के लिए तो मेरा मतलब हालत ख़राब हो गया था, इतनी बार मुझे एक्सचेंज करना पड़ा, एंड सेकेंड टाइम एक्सचेंज करने के बाद फिर आपको रिटर्न या रिफंड ही मिलने वाला है। सो ड्रेसेस का तो एक अलग ही स्टोरी है, जब मैं उसका हॉल बनाऊंगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एनीवेज, जो मेरा लास्ट फुटवेयर है वो है ये, इसका साइज़ है 40, तो ये शायद 9 या फिर 10 होगा। बहुत 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 सुंदर लगता है, इतना बढ़िया इसका ग्लेज है, देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया वाला मोनोक्रोम वाला इफेक्ट इसमें दे रहा है, बहुत सुंदर हील है ये, थोड़ा सा मुझे टाइट हो रहा है, बट रेगुलरली यूज़ करने पे ये वाला अच्छा खासा फिट हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। इसको जब स्टेज पे इवेंट में पहनती हूँ ना तो मेरे पैर एकदम चमकते हैं, इतना सही लग रहा है ये फुटवेयर, आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा इसका एक इफेक्ट आ रहा है, रेनबो इफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सो ये मेरा लास्ट प्रोडक्ट है इस फुटवेयर हॉल का। सो यस, ये मेरा सबसे फेवरेट ये वाला भी है, सबसे फेवरेट क्या, मुझे सारे ही फुटवेयर बहुत ही फेवरेट है, सारे रफ एंड टफ है, सारे बढ़िया है। सबका डिटेल, सबका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जैसा कि मैं आपको वीडियो से बोल रही हूँ। एंड यस, मेरे सारे फुटवेयर के लिए थम्सअप है, एंड यस, अगर आप लोगों को पसंद आता है मेरा ये वीडियो
तो डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और अगर लगता है कि किसी और के लिए भी हेल्पफुल होगा तो उन्हें भी शेयर करना। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिप्स रखा है ताकि आप लोगों को ज़्यादा बोर ना लगे, ज़्यादा लेंदी ना लगे वीडियो, इसलिए मैंने 5-10 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय।